आप मुझे अंदर आने का नहीं कहेंगे? आप आ जाए अंदर, आ जाओ। शायद फैसल नौशीन को पसंद करता है। देखो हम सब एक फैमिली की तरह हैं, और फैमिली में तो एक दूसरे का ख्याल रखना पड़ता है। कहना क्या चाहता है? अरे यही कि नौशीन भी फैसल को पसंद करती है। हम जानता हूँ कि ये सब कुछ हमारी रवायात के खिलाफ है। बात तो हमको तुम बताएगा, ये बताओ क्या बोल रहा था लोफर दिलावर तुमको? वो हमने उसको पूछा था शाहिद की बहन के बारे में कि उसका तबीयत कैसा है। अरे बेवकूफ समझते है तुम हमको, जो तुम कह देगा वो हम मान लेगा। ठीक है, हम उस्ताद को बता देगा, बाकी जो तुमने बताना है वो बता देना। कोई बात नहीं, आ जाएगा। बहुत लाड़ प्यार से पाला है मैंने उसे, लेकिन गलत इंसान के चक्कर में आकर घर छोड़ के जा रहे हैं। उसने भी साबित कर दिया है कि वो गलत है। क्या मतलब? उसने शांति से घर का डिमांड किया, वो तो हमारे एक्सीडेंट में उसका सारा डॉक्यूमेंट कहीं गुम हो गया। फिर उसने ही शर्त रखा कि अगर हमारे पास वापस आना है ना तो घर सेल करके आना। अरे जान पहचान रिश्तेदारों के लिए, दोस्तों यारों के लिए सब करते हैं, और करना पड़ता है। दरअसल इंसानियत भी यही है कि उनके लिए कुछ करे जिनसे आपका इंसानियत का रिश्ता है। पता नहीं फैसल, मुझे लगता है कि मैं आपके बारे में कुछ ज्यादा ही सोचने लगी हूँ। अरे हमने तेरे से एक बात करना है। बोलो क्या बात है? हमने तेरे से शादी बनाना है। क्या? अरे वैसे हम अंदर आवे, नौशीन का तबीयत पूछ लूंगा। कल आप आएंगे ना मुझे पिक करने, तो कल ही पूछ लीजिएगा, अभी बिल्कुल ठीक है वैसे वो। आप वैसे ऐसा क्यों बोल रहे? बल्कि तुझे ना शर्म से डूब मरना चाहिए, बड़ा दादा बना फिरता है तू। अरे क्या बकवास कर रहा है, कहना क्या चाहता है तुम? तेरा वो साथी दो दिन से स्कूल आ रहा है, हमको कहता है कि वो हमसे शादी करना चाहता है। अब तू हमको बता कि हम उसको क्या जवाब दूं? अरे शर्म आना चाहिए तुझे ऐसे दोस्त, ऐसे साथी और ऐसे काम पे। नौशीन तुम मुझे मरवाना चाहती हो ना? क्या हो गया, हम तुमको क्यों मरवाना चाहेगा? तुम हमारा दोस्त है, बहनों जैसा दोस्त है। हमने तो उसको एक लफ्ज भी नहीं बोला, बल्कि वो तो हमको खुद को इन्फॉर्मेशन दे रहा था। छन्ने पीछे जा रहे, इसके तुम इधर से आओ। अरे नादिर भाई, वो वर्कशॉप में छुपा हुआ है, जल्दी आ जाओ। भाई अरे हमको नहीं मालूम था कि तू इतना जल्दी मरेगा रे। माफ कर दो नादर भाई। अरे भाई मत बोल, माफ कर दो नादर भाई,
दर से कभी ऐसा नहीं होगा, कभी गलती नहीं करेगा। अरे हमको तुझसे बेहतर कौन जानता है रे जाबू। अरे नहीं नहीं बेटा, नादे बेटा मर जाएगा, क्या कर रहे हो तुम? चाचा आज हम इसको जान से मारेगा। अरे इसने हमारा बैंड को छेड़ा। क्या हुआ नादे भाई, ये अपना दोस्त है, अपना भाई है। अरे ये किसी का भाई नहीं है, किसी का दोस्त नहीं है। अरे दादा छोड़ दो, छोड़ दो, बस बस बस। अरे नहीं छोड़ेंगे इसको। बस दादा नहीं नहीं। अरे हमारा बहन को शादी का बोलता है? नहीं दादा गोली नहीं मार। अरे छेड़ते हैं हमारा बहन को। छोड़ दो छोड़ दो छोड़, मार दे, जान से मारेगा इसको हम, बाद में देंगे। अरे नहीं छोड़ेगा। अरे माफ किया ना, जाओ यहाँ से। अरे चाचा छोड़ो, चाय पी लीजिए। सॉरी पी लीजिए। चली जाऊंगी यहाँ से मैं, ये क्या समझती हैं कि ये लोग मुझे खा रहे हैं पिला रहे हैं। इतनी भी नादान नहीं हूं मैं कि मैं समझ ही ना सकूं कुछ। अरे शांजा, शांजा हमारी बात सुनो, मैंने तुम्हारे भाई को कुछ नहीं बताया, बल्कि हम तो उससे खुद पूछ रहा था कि कहीं उसका ऐसा इरादा तो नहीं कि वो तुम्हें नुकसान पहुंचाए, और उसने हमें बार बार यकीन दिलाया कि उसका ऐसा कोई इरादा नहीं है, बल्कि बल्कि वो तो कह रहा था कि अब तक उसने जो भी कुछ कहा है ना, वो सिर्फ तुम्हें डराने के लिए कहता है। मेरी बात का यकीन करो शांजा। बस करो, ये वजाहत है, तुमने जो करना था ना कर दिया, मुझे सब पता है कि तुमने क्या किया होगा। इतनी भी नादान नहीं हूं मैं कि तुम्हें समझ ही ना पाऊं मैं। शांजा तुम इतनी रात को कहां जाएगा? कहीं पे भी जाऊं, तुमसे मतलब? क्या मतलब? मतलब है ना, क्योंकि तुम हमारा दिल से दोस्त है और तुम गलत फहमी का शिकार है। कोई गलत फहमी नहीं होती है, जो नजर आ रहा होता है ना बस वही होता है, और कुछ नहीं होता है। चली जाऊंगी मैं बस, शुक्रिया तुम्हारे एहसान आपका, तुम्हें नहीं जाने देगा। अच्छा तो बहुत चलाक हो तुम, अब तुमने सोचा होगा कि मेरे भाई को कॉल करके बताओगी कि शांजे यहाँ पर है ना। इतनी समझ है मुझ में, इतनी भी भोली नहीं हूं मैं नौशीन। अब मैं तुम्हारे आंसू में नहीं आने वाली, मैं जा रही हूं। शांजा अरे शांजा रुक जाओ, अभी तो मैं कहीं नहीं जा रही हूं, अगर आप इजाजत दें तो ठीक है, पर ना मैं यहां से भी कहीं चली जाती हूँ। अरे मगर हम सिर्फ ये कह रहे हैं, आप इस वक्त अकेले आ गए, सब ठीक तो है ना? सब ठीक होता तो आपके घर का पूछती हुई क्यों आती मैं? अरे हुआ क्या है? मैंने कहा था ना आपसे कि नौशीन को हमारा मिलना जुलना पसंद नहीं है, उसने मेरे भाई को कॉल करके सब बता दिया कि मैं यहाँ रहती हूँ। अरे पर हुआ क्या है? उसका भाई सुबह आया था, हम आपको फोन किया, तुम चाहे समंदर में था, तुम्हारा नंबर नहीं लग रहा था। अरे क्या बोला उसके भाई ने? उसका भाई पहले से सब कुछ जानता था, वो दो दिन पहले देखा फैसल के साथ उसको, उसके बाद उसे प्यार से समझाता रहा। अरे हमने तो उसको बड़ा समझाने की कोशिश किया, उसने तो उल्टा हम पर इल्जाम लगा दिया कि हम आपको फोन करके बुलाया यहाँ पर। अरे भाई जब भी तुम उसको मिलो ये जरूर बताना कि हमने तुमको कॉल नहीं किया है। लेकिन उसके लिए उसका मिलना जरूरी है, वो मिल जाए तो मैं यकीनन उसे बता दूंगा। अरे मिल जाएगा, वो कहाँ जाएगा, वो अभी तो उसका वीजा भी नहीं लगा। शांजा इतना रात को कहाँ जा रहा है तुम? मैं बस यहाँ से जा रही हूँ। पर बात क्या हुआ? अगर आपको बात नहीं मालूम ना तो जाके अपनी बहन से पूछ ले, मुझे बिल्कुल तवक्का नहीं थी जो कुछ मैंने आज कुछ देखा। अरे ऐसा क्या देख लिया तुमने? ये तो देख रहे ना कि मैं जा रही हूँ, जा रही हूँ मैं बस। अरे शांजा Yeah.
शांजा को क्या हुआ? इतना गुस्से में क्यों था वो? आयाम को तो खुद नहीं पता कि उसके अंदर इतना नफरत कहां से आ गया। अरे पर हुआ क्या है? उसका भाई सुबह आया था, हम आपको फोन किया, तुम शायद समंदर में था, तुम्हारा नंबर नहीं लग रहा था। क्या बोला उसके भाई ने? उसका भाई पहले से सब कुछ जानता था, वो दो दिन पहले देखा फैसल के साथ उसको, उसके बाद उसे प्यार से समझाता रहा कि तुम घर चला जाओ और हमको तुम्हारी जायदाद से कोई लेना देना नहीं है। ले, जैसे चांदा को इस बात का पता चला, उसने तो सारी कहानी हम पर रख दी, कहते तुम कसूरवार हो, तुम्हारी वजह से सब कुछ हुआ है, तुमने ही जानबूझ के किया है, जबकि हमने ऐसा कुछ नहीं किया है। अरे अगर कोई आदमी तुम्हारा सही बात का गलत मतलब निकाले तो उसमें तुम्हारा कसूर थोड़ी है, उसका कसूर है। हम शांजा के लिए जो कर सकता था हमने किया, अब जाने वाले को कौन रोक सकता है? तुम परेशान मत हो। लेकिन भाई वो हमारा इतना अच्छा दोस्त था, हमने दोस्त के लिए। अरे हमको पता है तुमने कुछ गलत नहीं किया है, डॉक्टर ने मना किया है, तुम अपना सेहत का ख्याल रखो, ये टेंशन ना लो, तुम जाने दो उसको, तुम आराम करो, तुमको आराम का जरूरत है। कुछ खाया तुमने? हम लेके आते तुम्हारे लिए कुछ, रुको। अरे कौन है इस टाइम पे? आ रहा हूँ। अरे आ रहा हूँ, सबर करो थोड़ा। चप्पल भी भूल रहा है। आप इस वक्त? आप कब से कॉल ही नहीं उठा रहे थे, मैं आपको कब से कॉल कर रही हूँ, सोचा मैं खुद ही चली आऊँ आपके पास। और ये सारा सामान, मेरा मतलब आप जा रहे हैं कि वापस अपना घर जा रहे हैं? अभी तो मैं कहीं नहीं जा रही हूँ, अगर आप ही इजाजत दें तो ठीक है, पर ना मैं यहाँ से भी कहीं चली जाती हूँ। अरे मगर हम सिर्फ ये कह रहे हैं, आप इस वक्त अकेले आ गए, सब ठीक तो है ना? सब ठीक होता तो आपके घर का पूछती हुई क्यों आती मैं? अरे हुआ क्या है? मैंने कहा था ना आपसे कि नौशीन को हमारा मिलना जुलना पसंद नहीं है, उसने मेरे भाई को कॉल करके सब बता दिया कि मैं यहाँ रहती हूँ, वो तो इत्तफाक से हम दोनों बाहर थे, वरना पता नहीं क्या होता। अरे हमको नहीं लगता नौशीन ऐसा कर सकते है। वो कर सकती है और उसने कर दिया है, मेरे भाई को कैसे मुखबरी की, मेरे भाई को कैसे पता चला कि मैं रोज आपके साथ जा रही हूँ, कौन सा कैमरा लगा हुआ है? असल में नौशीन मुझे बेवकूफ बना रही है, वो चाहती ही नहीं है कि मैं आपसे मिलूं, वो मुझे और आपको दूर करना चाहती है बस। आपने काना माना कहा है? आ रहा हूं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। शांजे, नौशीन का दोस्त उसके साथ पढ़ते हैं, हम बताया था जिसका एक्सीडेंट हो गया था, हमको याद है, मगर इतना रात को ये अकेला लड़की यहाँ कैसे आया? हम वही डिस्कस कर रहा था अभी, इससे बात हो ही रहा था कि आज जब खत्म हो जावे हमारा पास आओ। अगर मेरा यहाँ रुकने में कोई मसला है तो मैं चली जाती हूँ यहाँ से भी। अरे इस वक्त आप कहाँ जाएंगा? कहीं पे भी चली जाऊंगी, किसी के घर, होटल स्टे कर लूंगी, बस यहाँ से चली जाऊंगी।
नौशीन जो साजिश करना चाहती थी ना, मैं वो कामयाब करना नहीं चाहती। बस आप फिक्र मत करो, सब ठीक हो जाएगा। हम अम्मा को बोलता है कि आपके लिए कुछ कहानी को बनाया है, रोटी मोटी बनाया है। मैंने कहा ना मुझे भूख नहीं अभी। अरे लेकिन खाया भी तो नहीं है, अजीब सा बात कर रहा है। अरे घर है आपका, हमारा घर आपका घर है, क्या हो गया है? ठीक, मुझे यकीन था कि आप एक समझदार लड़की, समझा लेंगी उसे। लेकिन ये बात उसे खुद भी समझना चाहिए कि सबसे बेहतर जगह उसके लिए उसका अपना घर है। अरे हमने तो उसको बड़ा समझाने की कोशिश किया, उसने तो उल्टा हम पर इल्जाम लगा दिया कि हम आपको फोन करके बुलाया यहाँ पर। अरे भाई जब भी तुम उसको मिलो ये जरूर बताना कि हमने तुमको कॉल नहीं किया है। लेकिन उसके लिए उसका मिलना जरूरी है, वो मिल जाए तो मैं यकीनन उसे बता दूंगी। अरे मिल जाएगा, वो कहाँ जाएगा? वो अभी तो उसका वीजा भी नहीं लगा, वो भी प्रोसेस में। हमारा ख्याल है तब तक तो आप उसको ढूंढ लेगा। उसने मोबाइल लिया था? हाँ फोन तो लिया था ना। जी लिया था। क्या मुझे उसका नंबर मिल जाएगा? हाँ मिल जाएगा, हम अभी अपना फोन से लेकर आते। जी क्या नंबर है बताइए? 0300। क्या मुझे आपका भी नंबर मिल जाएगा अगर मुझे मजीद कुछ पूछना हो तो? दे दो। हाँ जी मिल सकता है, लिखो 0301। मैं चलता हूँ सुबह, कोशिश करूंगा कि इस नंबर से उसकी लोकेशन निकलवा लूँ। अरे आपको उसके बारे में कोई भी इंफॉर्मेशन मिले ना हमको जरूर बताना, हमको उसकी बड़ी टेंशन हो रही है। जैसे ही मुझे कुछ पता चला मैं बिल्कुल बताऊंगा आपको। मैं चलता हूँ। अरे तुम परेशान मत हो, कल मल मिल जाएगा वो, तुम जाकर सो जाओ, हम भी सोने जा रहे हैं। तुम लोग का क्या लगता है ये? अरे हमारा कुछ नहीं लगता है, नौशीन का दोस्त है, उसके साथ पढ़ता है, डॉक्टर बन रहा है उसके साथ। जिसका दोस्त है जिसके साथ पढ़ता है उसके साथ उसका लड़ाई हो गया है, तो बोल रहा है गलत फहमी हो गया है। ये सब कुछ तुम्हारे साथ अगर होएगा तो तुमको पता है कि तुम्हारा नतीजा क्या होएगा? अच्छा आप ना फैसल की शादी कर दें ताकि जिसका काम है ना आके वही संभाले बस। बात तो तुम बिल्कुल ठीक बोलता है, अभी लड़के हमने ऐसा देखा नहीं है। वो नौशीन है ना, नौशीन शाहिद का बहन, जिसके घर में तुम ठहरा था, वो ना उसको पसंद करता है फैसल को। हाँ दादा बुलाया हमको।
लड़की कौन है? हम तुमको बताया तो था? जो तुमने बताया हम वो नहीं पूछ रहे, जो हम पूछ रहे उसका जवाब दो। ये लड़की इतना रात को इधर क्यों आया है? अरे नौशीन का दोस्त है, उससे लड़ाई हो गया, गलत फहमी हो गया, इसलिए इधर आ गया। तुम लोग का क्या लगता है ये? अरे हमारा कुछ नहीं लगता है, नौशीन का दोस्त है, उसके साथ पढ़ता है, डॉक्टर बन रहा है उसके साथ। जिसका दोस्त है, जिसके साथ पढ़ता है, उसके साथ उसका लड़ाई हो गया है, तो बोल रहा है गलत फहमी हो गया है। ये सब कुछ तुम्हारे साथ अगर होएगा तो तुमको पता है कि तुम्हारा नतीजा क्या होएगा? अरे दादा जो तुम सोच रहे हो ऐसा नहीं है। हम सिर्फ उस पे बात कर रहा है जो हम देख रहे हैं, और हमको नजर आ रहा है कि तू अच्छा नहीं कर रहा है। अरे दादा सुबह चला जाएगा, जाने को मैं भी बोल सकता है, लेकिन औरत जाते रात में कहाँ जाएगा? सुबह होते ही निकल जाएगा। बात ये नहीं है कि वो चला जाएगा, सवाल ये पैदा होता है कि वो सिर्फ तुम्हारे पास ही क्यों आया है? हाँ तूने ऐसा क्या उसको राग बांट दिया है कि वो तेरे को सब कुछ समझ के इधर आ गया है? अरे हमने कुछ नहीं बोले। अरे वो दो तीन दिन हमारा साथ जाता रहे, इसलिए थोड़ा गपशप हो गया है। अब वो मॉडर्न लोग हैं, वो वैसा नहीं सोचता है जैसे तुम और मैं सोचते हैं। वो वापस छोड़ के उसको जिधर से आया है वो, और नौशीन को बताया कि वो इधर ठहरा हुआ है। अभी उसको बताएंगे तो उसका भाई अभी लेने आ जाएंगे ना? अच्छा बात है, जिसका भाई उसको लेने आएगा तो उसका माफीज है वो, इससे बड़ा माफीज होएगा कोई? फोन करो नौशीन को और बोलो कि वो यहाँ पर है। अरे कर रहे ना छोड़ो, तुम फोन करो नौशीन को, बस जो बोल रहा वो करो। अभी करता है फोन। सॉरी, मैं आपके लिए जहमत बन गया है। हम लोग मेहमान नवाज है, हमारे घर में कोई आता है ना तो बड़ा खुश होता है। तुमने क्या बात कर दिया कि जहमत किया हमने? ले मैं आपकी मदद कर देती हूँ। अरे नहीं नहीं, तुम क्यों करेगा, हम ये सब काम का आदी है। हमारा बच्चा है ना फैसल, वो रात को लेट आता है, हम आधी रात को उठ के उसके लिए रोटी बनाता है गरम गरम। अच्छा आप ना फैसल की शादी कर दें ताकि जिसका काम है ना आके वही संभाले बस। बात तो तुम बिल्कुल ठीक बोलता है, अभी लड़के हमने ऐसा देखा नहीं है। वो नौशीन है ना, नौशीन शाहिद का बहन, जिसके घर में तुम ठहरा था, वो ना उसको पसंद करता है फैसल को। फैसल का या नौशीन का? हमको तो दादा बताया, अभी ये नहीं मालूम कि कौन किसको पसंद करता है। वो आके क्या करेगी? आपको लगता है कि वो आकर आपका ख्याल रखेगी? उसकी तो ब्रेन इंजरी हुई ना बेचारी की, किसी काम की नहीं रही है वो अब। ये किसका बात कर रहा है तुम, जिसको चोट लगा है? हाँ उसके दिमाग में चोट लगी थी, अभी उसके दिमाग के कुछ हिस्से ठीक तरीके से काम नहीं कर रहे, वो झुक के काम नहीं कर सकती है, उसे चक्कर आ जाते हैं। और दूसरा ये कि अगर उसको दोबारा चोट लगी या वो गिर पड़ी ना तो वो लंबे अरसे के लिए कोमे में चली जाएगी या फिर बेहोश हो जाएगी वो। अल्लाह अल्लाह, जवान लड़की है वो, कैसा दिमाग का रोग लेके बैठा है। मैं तो आपको बता रही हूँ कि आप एहतियात कीजिएगा, ये रोग आप ना ले लिएगा प्लीज। सही बोलता है तुम, हमको तो ऐसा लड़की चाहिए जो घरदारी संभाले, हम बीमार पड़े तो हमको दो वक्त का रोटी बना के खिलाए। वो तो हमसे पहले भी बीमार है, हमने दादा को बोल दिया था कि हमको वो लड़की पसंद नहीं है। बिल्कुल सही बोला आपने, बिल्कुल सही बोला। सही बोला ना, ठीक है। अच्छा तुम उधर जाके बैठो, हम तुम्हारे लिए खाना लगाता है। शाबाश।
अब आपके साथ रहूंगी ना तो सब कुछ ही सीख जाऊंगी। तुम इधर रहेगा ना, हम तुमको सब कुछ सिखा देगा। अब तुम किधर जाएगा? अभी तो कुछ मालूम नहीं है, देखें किसी अच्छे मुल्क में मैंने अप्लाई किया है। मैं तो चाहती हूँ कि फैसल भी मेरे साथ चले। वो वहाँ क्या करेगा? जॉब करेगा, पैसे कमाएगा। हेलो। अरे किधर है तुम? तुम हमारा फोन क्यों नहीं उठा रहे? गुड मॉर्निंग। मेरा मतलब है सुबह का सलाम। वालेकुम अस्सलाम। ये तुम चाय क्यों बना के लेकर आया? अब नमाज पढ़ने के बाद खुद ही बना लेता। मेरा दिल चाह रहा था आपके लिए चाय बनाने के लिए, लेकिन मुझे ज्यादा अच्छी चाय बनानी आती है नहीं। तुम डॉक्टर बन रहे हैं ना? जी, लेकिन ये वजह नहीं है कि मुझे काम नहीं आता। असल में वो हमारे घर में मुलाजिम बहुत थे ना, तो सारा काम तो वही करते थे। मगर मैंने कुछ अरसे में यहाँ पे काफी कुछ सीख लिया। अब आपके साथ रहूंगी ना तो सब कुछ ही सीख जाऊंगी। तुम इधर रहेगा ना, हम तुमको सब कुछ सिखा देगा। अब तुम किधर जाएगा? अभी तो कुछ मालूम नहीं है, देखें किसी अच्छे मुल्क में मैंने अप्लाई किया है। मैं तो चाहती हूँ कि फैसल भी मेरे साथ चले। वो वहाँ क्या करेगा? जॉब करेगा, पैसे कमाएगा। यहाँ पे रह के बॉक्सिंग ही तो करता है सिर्फ, कोई इनकम भी नहीं उसकी। नहीं, यहाँ कोई पैसा वैसा नहीं मिलता है, उसकी जेब खाली है। अगर वहाँ नौकरी मिले ना तो हम तो बोलेगा तुम उसको ले जाओ, काम पे लगाओ, हम तुमको बहुत दुआएं देगा। मैं तो चाहती हूँ कि उसकी जिंदगी बन जाए, समर जाए उसकी लाइफ, लेकिन वो खुद नौशीन की किश्ती में सवार है। ये नौशीन बीच में किधर से आ गया? आपने तो कहा था खुद कि वो नौशीन को पसंद करता है। अब अगर वाकई उसको वो पसंद करता है तो मेरे साथ तो नहीं जाएगा ना? जाएगा, क्यों नहीं जाएगा? हम बोलेगा तो जरूर जाएगा। आप प्लीज बात करें ना, वो मेरे साथ जाए, मैं उसके लिए अप्लाई कर दूंगी। और रही पैसों वैसों की बात, तो वो सब कुछ मैं खुद कर लूंगी। तुम कितना नेक बच्ची है। आप बहुत अच्छी हैं असल में। मैं अपने लिए चाय लाती हूँ। बहुत अच्छा बच्ची है ये, चाय बना के लाया हमारे लिए।
हेलो। अरे किधर है तुम? तुम हमारा फोन क्यों नहीं उठा रहे? हम बात क्या कर रहे तुमसे? हाँ तो कुछ लोगों से मिलके बहुत अपनायत लगती है, जैसे कि आप, आपके घर वाले और ख़ास तौर पे अम्मी। आज तो उन्होंने मुझसे अपनी इतनी बातें शेयर की, ऐसा लगता है कि हम एक दूसरे को बहुत अरसे से जानते हो। अरे वैसे इतना बातें तो अम्मा ने भी कभी हमसे शेयर नहीं किए। मेरी तरह आप उनके पास बैठे नहीं होंगे ना कभी। वो उसके साथ शॉपिंग करने के लिए जाता है और सारा सारा दिन का किस्सा आके हमको सुनाता है। उसके बाद जब उसका भाई उसको ढूंढते ढूंढते यहाँ तक आए तो उसको लगता है कि हम उससे और पैसे से जलता है, इसलिए हमने उसको यहाँ फोन करके बुलाया। उसको लगता है अब उसको पैसे से दूर करना चाहता है, जबकि दूर और करीब तो इंसान दिल से होता है। हम ऐसा क्यों करेगा? जब वो फैसल को लेकर जाएगा तो तुम लोग को क्या लगता है कि वो सुबह भेज देगा तेरे पास? तुम फैसल का शक्ल देखने को तरस जाएगा। जैसा तुम सोच रहे हैं ना, सब उसका उलट होएगा। जैसा तुम लोग को लग रहा है ना कि उसने तुम लोग के लिए चाय बनाया है, ये सब अभी का बात है। हमको सब पता है, हमने दुनिया देखा है। हम बहुत शर्मिंदा है दादा, हमको माफ कर दो। हम तुम्हारे बगैर अंधा है। अरे पूरा लिहाज़ ही तुम्हारे नाम से हमको जानता है। हमको माफ कर दो प्लीज। अभी हमने क्या किया है? अगर तुमको ये पता ही नहीं कि तुमने क्या किया तो फिर बात ही खत्म। बात करेंगे तो बात खत्म होएगा ना। पूरा रात हम सो नहीं सका है। शांजा की मेजबानी कर रहा होगा ना सारी रात, इसलिए तो सो नहीं सका। तो ये शांजे का गुस्सा है। हमने उसको बोला ये लड़की कैसा है। कौन सा लड़की? तुम्हारा बात किया हमने, हमको बोलता हमें तुम बहुत बोला है। फिर बात दरअसल ये वो नौशीन है ना, उसको पसंद करता है। ये उसकी चाबी है, जब आप कहेंगे गाड़ी आपकी हो जाएगी। लेकिन अगर कहीं थोड़ी सी गड़बड़ हो गई तो? अरे क्या गड़बड़ होगा, काम बिगड़ भी सकता है। अरे आपका नाम नहीं आएगा साहब, आप बेफिक्र हो जाओ। लेकिन हमने तो चांदा की आंखों में तुम्हारे लिए प्यार और गरूर देखा है। जो उसको तुम्हारे साथ होने पे होता था। नौशीन हम पर एतबार करो, हमारे दिल में उसके लिए कभी जज्बात नहीं हो सकता है। हमें तो इस बात पे यकीन नहीं आ रहा है, तुमने इस बात पे कैसे यकीन कर लिया? कुछ भी नहीं है नामुमकिन, सबसे आगे निकलना है, अपना वक्त बदलना है। हम की मारा मारी है, अपनी जारी है, चल जाए अपनी गाड़ी, ल्यारी से किवाड़ी, ल्यारी से किवाड़ी। यार में सब कुछ वारेंगे, इश्क में बाजी मारेंगे, चाहत की हर बात हसी, दोस्त नहीं तो कुछ भी नहीं। मंजिल तक तो जाना है, रास्ता बड़ा पुराना है, ल्यारी से किवाड़ी, ल्यारी से किवाड़ी।